नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये स्टॉक का लेवल क्या रह सकता है और इसका टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसका इस स्टॉक में अभी हमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर है उसका टारगेट भी आ चुका है। तो इस बेसिस पे काफी सारे फ्रेंड्स का भी सवाल है। तो ये स्टॉक को हमें अभी मिड टर्म के लिए अभी अगर इस स्टॉक को बाय करना चाहेंगे तो सही है प्राइस या तो फिर सही नहीं है, इस वीडियो में उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और टारगेट क्या, हम टेक्निकल टारगेट देखेंगे और ब्रोकर हाउस का भी टारगेट देखेंगे, और स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए उस चीज के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उस बेस पे आप उस स्टॉक को एनालाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफी सारा फ्रेंड्स है जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं उनको काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में है फ्रेंड्स, मैंने काफी दिन पहले एक बार वीडियो भी बनाया था ये स्टॉक में, कौन सा दिन बनाया था उसके बारे में मैं प्रूफ देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इस चैनल पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आज को 4 मंथ्स पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि यहाँ पे 9 सितंबर को हमने इसका वीडियो बनाया था। 9 सितंबर को अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से स्टॉक का प्राइस क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 सितंबर, 9 सितंबर करेक्ट, ये जगह पे था। तो मतलब उस टाइम पे जो प्राइस था 6,740 पे उस टाइम पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम जाके देखेंगे यहाँ पे 9 से लेके अभी तक का जो जर्नी रहा है, यहाँ पे कितना परसेंटेज का गेन देखने को मिला है फ्रेंड्स, जरूर आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 153 डेज हुआ है, यहाँ पे स्टॉक में 33% का गेन मिला है फ्रेंड्स, ठीक है। ये स्टॉक में ये पॉसिबल किस किसके लिए हुआ, एक अच्छा सा स्टॉक को हमने पिक किया और सही टाइम पे एंट्री लिया और पेशेंस के साथ में स्टॉक को हम होल्ड किए। अगर पेशेंस के साथ में होल्ड करेंगे तो हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। अभी का टाइम पे अगर ऐसे सिचुएशन पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा स्टॉक है, अभी बहुत सारा स्टॉक है, आप देख सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी को देख सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ को देख सकते हैं और आईजीएल को देख सकते हैं, सब क्वालिटी स्टॉक है। ये स्टॉक में गिरावट चल रहा है अभी, लेकिन किसी के साथ पास में पेशेंस भी नहीं है तो लोग सोच रहे हैं कि गलत स्टॉक है, हम सेल करके निकल जाना चाहिए। ऐसा गलती मत करना कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक में फिर से एक बार भी मौका दिया था, यहाँ पे यहाँ तक आया था, ठीक है। अगर इतना दिन होल्ड करने के बावजूद भी वो स्टॉक में देखिए, अगर यहाँ पे था, अगर यहाँ पे अगर आप निकल जाते तो 4% का गेन मिलता ओनली 90 डेज में, 90 डे होल्ड करने के बाद में, तो कोई फायदा नहीं था। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, कितना पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो है यही है, यही पॉइंट तो ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका लेवल क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले इसका एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, इसका रिजल्ट आया रिजल्ट भी एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि फोर व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर है, आप सबको पता है, और इसका मार्केट कैप लार्ज कैप स्टॉक है, 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक अभी भी 83 PE पे ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है ना, प्रीमियम पे अभी भी ट्रेडिंग हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी का हमेशा प्रीमियम तो हमें चुका देना ही पड़ेगा। अगर अभी देखेंगे तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जो कि पूरा डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। और स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखिए, यहाँ पे 10,000 के पास में था स्टॉक, उस टाइम पे कितना बड़ा डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी का जो आज अगर देखेंगे, ये स्टॉक में 52 वीक हाई अचीव किया जो कि 8,949 आज के दिन में 52 वीक हाई था, मतलब एक साल का जो हाई था, ठीक है। अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 10,000 ऑल टाइम हाई है। तो अगर इसी हिसाब से अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट अभी कुछ कुछ क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है जो कि 23,253 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है जो कि अभी लास्ट 3 क्वार्टर में हाईएस्ट है। तो इसी हिसाब से अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे 1,042 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है जो कि थोड़ा सा रिकवरी आ रहा है, ठीक है। अगर इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट चार क्वार्टर में प्रॉफिट आया है 3,3245 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 85,000 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है जो कि बहुत अच्छा फिगर नजर आ रहा है, अभी रिकवरी आ चुका है सेल्स में। इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व में यहाँ पे 52,116 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। बोरोइंग अगर देखेंगे तो वहाँ पे 100% तो डेट फ्री नहीं है, 221 करोड़ का बोरोइंग भी है जो कि ना की बराबर है, उसमें कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ओनली 200 है,
21 करोड़ का बोरोइंग है, रिजर्व तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे, एक बिंदास प्रमोटर का होल्डिंग है, 56% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एफआई ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है, यहाँ पे जरूर देखिए आप, 22.52% का एफआई के पास में पहले स्टेक था, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 23.6% का एफआई के पास में स्टेक हो चुका है। अगर डीआई की बात करेंगे, यहाँ पे 15% डीआई के पास में है और पब्लिक के पास में 4.7% पब्लिक के पास में है, पब्लिक के पास में बहुत कम हिस्सेदारी है स्टॉक में है। फ्रेंड्स इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस का एक बार जरूर देख लेते हैं ब्रोकिंग हाउस का टारगेट क्या है। फ्रेंड्स अगर ब्रोकिंग हाउस का टारगेट देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले 5 दिन पहले मोतीलाल ओसवाल का अगर हमने देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रोकिंग हाउस है, तो उनका जो टारगेट आया था 10,300 इसका टारगेट आया था, ठीक है। ये टारगेट इमीडिएट अचीव नहीं होने वाला है क्योंकि इसके लिए तो टाइम लगेगा ना, ये भी जो भी ब्रोकिंग हाउस का टारगेट होता है वो एक साल का टारगेट होता है, तो यहाँ पे 10,300 का टारगेट है उनका। अगर आप यहाँ पे नीचे भी देखेंगे केआर चौकसी, यहाँ पे ये ब्रोकिंग हाउस का भी टारगेट है 9,557 है, ठीक है। आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जूम कर लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,557 केआर चौकसी का है, मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे 10,300 का टारगेट है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ट पैटर्न ने पहले भी एक बार बताया था, आज भी एक बार बताता हूँ हमारा टारगेट क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं कौन सा लेवल पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ और पहला क्या लेवल था, अभी का क्या लेवल है, यहाँ पे दो टारगेट निकल करके आता है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे क्लियरली एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस टाइम पे भी मैंने बताया था यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका टारगेट क्या निकल करके आ रहा है, यहां से लेके पूरा डेप्थ से लेके अगर डेप्थ को हम कवर करेंगे ये स्टॉक में, यहां पे लेके यहां पे देखिए ऑलमोस्ट यहां पे जो टारगेट निकल करके आ रहा है, यहां पे ऑलमोस्ट 11,600 का टारगेट मेरे हिसाब से ये टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये टारगेट तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा, हो सकता है इसके लिए एक साल लगे लेकिन यहां तक का टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन अभी तक का अगर देखेंगे तो अभी कितना परसेंटेज का पोटेंशियल बचा हुआ है, अभी से यहाँ पे भी एक 30% का पोटेंशियल बचा हुआ है। और जिन्होंने अभी सोचते हैं कि स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर यहाँ पे अवॉइड करने की बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक जहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वहां पे कभी पोजिशन हम नहीं बनाते, मैं हमेशा कंसोलिडेशन में पोजीशन बनाने के लिए आप सबको बोलता हूँ, ठीक है। अभी आप अवॉइड कीजिए स्टॉक में, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अगर कंसोलिडेशन आए उस टाइम पे मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, अगर आपका होल्डिंग है तो आप स्टॉक को यहाँ पे 11,600 तक आप जरूर लेके चलिए, तो ये प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम वीकली चार्ट पे और एक पैटर्न भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए और एक पैटर्न जो है यहाँ पे, इसके बाद में ये एक बहुत बड़ा कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। देखिए ये पहला छोटा कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी एक और एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बन चुका है, उसके बाद में बहुत बड़ा एक यहाँ पे हेड बन रहा है, उसके बाद में फिर और एक यहाँ पे शोल्डर बनेगा, उसके बाद में फिर ब्रेकआउट देखे तो इसका भी ये टारगेट अचीव कराएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम जो टारगेट हमारा है तो 11,600 है, उसके बाद में अगर आप टारगेट की बात करेंगे ये स्टॉक नेक्स्ट लेवल कहां तक जा सकता है एक बार बात करेंगे, लेकिन वो इमीडिएटली ये टारगेट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इसके लिए टाइम भी लग सकता है। और नेक्स्ट जो टारगेट इसका रहेगा 15,000 तक ये स्टॉक का सफर रहेगा, ठीक है। तो ये स्टॉक इतना बड़ा सा जब कंसोलिडेशन के बाद में यहां से जब निकला है तो यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा यहाँ पे गेन हमें देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आप कोई स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या तो फिर फ्रेश पोजिशन बनाएंगे, आप खुद का एनालिसिस के बेस पे पोजीशन बनाइए। ये जो वीडियो था एक एजुकेशनल प्रपोज के लिए वीडियो था, तो इसमें मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है या तो फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए,
उसके साथ में अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।